हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अलमन चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट गिलोय के बारे में। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसकी काफ़ी बड़ी सी वाइन होती है और ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक हर्ब है। ये प्लांट आपको काफ़ी अच्छा होता है, इसको यूज़ के काफ़ी यूज़ हैं और काफ़ी फायदे हैं इसके यूज़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम इसके जो उतने भी यूजेस हैं वन बाय वन करके आज मैं आपको उसमें कुछ बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, गिलोय के सबसे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आप इसको अपनी इम्यूनिटी वीक है जिसकी उसको यूज़ करें तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। गिलोय ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इसकी लीव्स, बड़े लीव्स भी हैं, इसमें छोटे लीव्स होते हैं। ये इसी तरीके से हार्ट शेप में इसकी लीफ होती है और इसकी ये देखिए काफ़ी मोटी वाइन होती है इस तरीके से। तो इसकी वाइन इस तरीके से होता है। तो आपको अगर गिलोय पहचानना है तो आप इस तरीके से इसको देख लीजिए, इस तरीके से होता है। ये बहुत ही अच्छा हर्ब है, इसको हमें यूज़ करना काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए। इसे हमें यूज़ करना चाहिए। आपको इसको काफ़ी कई तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। पहला तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और दूसरा ये हमारे कॉन्स्टिपेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, हमेशा उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो लोग इसको यूज़ करें, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तीसरा ये होता है डायबिटिक के लिए, जो लोग जिसका हाई होता है ब्लड शुगर वो इसको यूज़ करें, उनका ब्लड शुगर लो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। पर जो जिनका ब्लड शुगर लो रहता है वो इनको इस चीज़ को ना यूज़ करें, उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। पर जिसका हाई शुगर है तो वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कफ कोल्ड और अस्थमा के लिए होता है, क्योंकि कफ कोल्ड हमारी इम्यूनिटी वीक है या हमें एलर्जी है तो उसी वजह से होता है। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है, तो वहाँ पे भी ये आपको बहुत ही अच्छा यूज़ करता है। उसके बाद जिसका आई साइट वीक होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा यूज़ है। ओल्ड एज हैं या यंग एज या बच्चों में जिसका ओल्ड मतलब आई वीक है, आई साइट, उनको ये यूज़ करें, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये बहुत ही अच्छा बैक पेन, अर्थराइटिस, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम है या अर्थराइटिस है तो वो लोग इस चीज़ को यूज़ करें, गिलोय के प्लांट को, इसकी लीफ को या फिर इसके जो ये वाइन्स है इस वाइन को यूज़ करें, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। ये इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी के गुण होते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये लीवर प्रॉब्लम, जिसको लीवर प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है लीवर प्रॉब्लम के लिए। और ये उन्हें इस चीज़ का यूज़ करें, उनके लिए लीवर प्रॉब्लम में काफ़ी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट ये पाइल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, मोशन अच्छा नहीं होता है, उनके लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता ही है, तो जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हमारा ये पाइल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ये यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिसको यूरिनरी प्रॉब्लम हो, यूरिन फ्लो अच्छा नहीं है या बर्निंग है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छा होता है। अगला है स्किन प्रॉब्लम, जिसकी स्किन में प्रॉब्लम है या जो है उनके पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये ब्लड को साफ करता है, प्यूरीफाई करता है, तो उससे हमारा स्किन रिलेटेड होता है तो वो स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं फ्रेंड्स, ये जो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें बता दिया है, आप इस तरीके से आप इन्हें यूज़ करिए। फीवर, एलर्जी, जिसको प्लेटलेट लो है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है, वो सब इसको यूज़ करें, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और आप इसके यूजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इसको जूस बना के, इसकी जो लीफ है इसको पीस करके इसका जूस बना के पिए तो भी फायदेमंद होता है। या फिर आप इसकी लकड़ी को छोटे छोटे पीस में, टुकड़े में काट करके इसको ड्राई कर लीजिए, उसके बाद इसकी लकड़ी को कट करके ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप इसको काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इसके काफ़ी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप इसको घर में आपको इसको लगाना है तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं, तो इसको भी बता देती हूँ। आप इसको कटिंग से, आप इसकी छोटी सी कैचा या इतनी बड़ी आप एक कटिंग ले लीजिए और इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए पूरा छत पर मेरा फैला हुआ है, तो कुछ इस तरीके से फैल जाता है पूरा, जहाँ भी इतना इसको स्पेस मिलेगा उतने दूर में ये पूरा फैल जाता है, तो उस जगह के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है।
आपको इसको एक जगह लगा दीजिए तो वहाँ से पूरे जगह पे फैल जाता है। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स। आप और अगर आपके पास प्लांट नहीं अवेलेबल है तो आप इससे को टैबलेट के रूप में भी मिलता है या आपको ये लिक्विड में फॉर्म में भी मिलता है। आप किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके नाम काफ़ी सारे हैं, आप इसको गिलोय के नाम से, अमृता के नाम से या गुडविल के नाम से, काफ़ी सारे नाम हैं इसके। तो आप नाम से आपको मिल जाएगा ये, तो ये बहुत ही आसानी से उग जाता है और बारिश के टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स अगर और हाँ फ्रेंड्स, इस टाइम जैसे कोरोना का टाइम है तो आप इसको कीजिए और आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा इससे। तो आप इस टाइम तो आप इसको 100% आप श्योर यूज़ करिए, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे बहुत सारे इसके, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। और फ्रेंड्स आपके अगर गिलोय अगर नहीं है तो आप इसकी कटिंग लेके तो आप लगाइए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो कमेंट, चैनल पे नए